नमस्कार, जम्मू परिवर्तन में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ रूपाली शर्मा। जहाँ बात करते हैं कोविड महामारी की, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो जिस तरीके से अभी भी डेट्स जो है एक्सटेंड कर दी गई हैं कि स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ अभी नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि आंकड़े जो हैं अभी भी सामने नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो काफ़ी ज़्यादा जो है केसेस अभी भी देखने को मिल रहे हैं, 300 के पार का जो है आंकड़ा लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की, तो वहीं अगर जम्मू के इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स के इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो वहाँ जो है 10 जुलाई से जो है एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारे पास जो है डेट शीट भी है कि कब से ये एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 10 जुलाई 2021 से जो है एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। और आपको बता दें 10 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई, 15 जुलाई और 19 जुलाई को जो है एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। ये डेट शीट है, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि जो डेट शीट है प्रूफ के तौर पर सामने आई है कि एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सेंटर जो है वो यहाँ पर बना है एग्जामिनेशन हॉल 01 ओल्ड कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, जहाँ पर स्कूल्स का देखा जाए, कॉलेजेस का देखा जाए और यूनिवर्सिटीज़ का देखा जाए, कोविड के चलते हुए जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं फॉलो किए जा रहे हैं और जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो एग्ज़ाम्स जो है वो ऑनलाइन लिए जा रहे हैं, ना कि ऑफलाइन। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स जो ऑफलाइन एग्ज़ाम ले रहा है, इस पर क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि जहां बात करें कोविड-19 की, और सबसे बड़ी बात यहां सामने आती है, यहां लिखा है द स्टूडेंट शेल मैंडेटरी वेयर द मास्क एंड पोजेज हैंड सैनिटाइजर एंड शेल फॉलो द SOP गाइडलाइंस इशूड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन इन रिगार्डिंग कोविड-19। अगर वहाँ पर बात की जाती है कि बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में भी मास्क और सैनिटाइजर लेके बैठेंगे तभी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए यूनिवर्सिटीज़ की, जहाँ पर प्रशासन द्वारा जो है ऑर्डर निकाला गया है कि अभी भी जो है एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन लिए जाएंगे और पिछले असेसमेंट्स के बेसिस पर जो है वो मार्क्स डिसाइड किए जाएंगे, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट है एग्ज़ाम्स कैसे करवा सकता है? आपको बता दें कि 10 जुलाई से जो है यहाँ पर एग्ज़ाम की डेट शीट निकाली गई है। जहाँ बात करते हैं 10 जुलाई को तो जनरल थ्योरी का एग्ज़ाम है, इसी के साथ साथ अगर 12 जुलाई की बात की जाए तो 12 जुलाई को हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स आर्ट का एग्जाम है। 13 की बात की जाए तो अप्लाइड थ्योरी, 15 की बात की जाए तो हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न आर्ट, 19 की बात की जाए तो एस्थेटिक थ्योरी ऑफ अप्लाइड आर्ट। ये जो एग्ज़ाम्स हैं करवाए जा रहे हैं। अगर बात की जाए हर एक कॉलेज और स्कूल और यूनिवर्सिटी की, जहां पर अभी भी कोविड प्रोटोकॉल्स को देखते हुए SOPs और गाइडलाइंस का फॉलो पूर्ण रूप से करते हुए जितने भी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ तक की बात करें बंद हैं, तो ये इंस्टीट्यूट जो है किस तरीके से जो है ऑफलाइन एग्ज़ाम करवा रहा है और आखिरकार प्रशासन की इस पर नज़र क्यों नहीं पड़ी अभी तक? अगर बात की जाए कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करना सबसे बड़ी बात नज़र सामने आती है, जहां 10 जुलाई से जो है एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं। फिलहाल के अपडेट के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।